Hi friends, today we will learn about acetylene gas and its properties. Last के वीडियो में हम लोगों ने oxyacetylene plant के बारे में पढ़ा था. So now in this video we will learn about acetylene gas and its properties. जैसा कि हम लोग जानते हैं, acetylene gas is a most important gas used in a gas welding and cutting. So इसके property और इसके बारे में जानना हमें बहुत जरूरी है. So स्टार्ट करते हैं कि एसिटिलीन गैस क्या है और इसके क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं. सो सबसे पहले दोस्तों हम लोग स्टार्ट करेंगे एसिटिलीन गैस क्या होता है. सो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि एसिटिलीन गैस का यूज हम लोग वेल्डिंग एंड कटिंग में करते हैं. सो वी कैन से एसिटिलीन गैस इज अ फ्यूल गैस. सो मैं यहां पर लिख देता हूं, it is a fuel gas which is used in welding and cutting. पहले तो ये एसिटिलीन गैस एक फ्यूल गैस है जिसका उपयोग हम लोग कटिंग और वेल्डिंग में करते हैं. दूसरा, इसका जो केमिकल सिंबल होता है वो C2H2 होता है. तो मैं लिख देता हूं, इट्स केमिकल सिंबल इज C2H2. यानी कि इसका जो रासायनिक सिंबल होता है, केमिकल सिंबल, वो C2H2 होता है. ये इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को याद रखना होगा. थर्ड पॉइंट हो गया, इसके बारे में और आगे बढ़ते हैं. तो इट इज प्रोड्यूस अ वेरी हाई टेम्परेचर. टेम्परेचर फ्लेम विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन. जैसा कि आप लोग जानते हैं कि एसिटिलीन जो है ऑक्सीजन के साथ मिल करके बहुत ही हाई टेम्परेचर का फ्लेम जनरेट करता है. ठीक है, तो यही मैंने लिखा है, इट्स प्रोड्यूस अ वेरी हाई टेम्परेचर फ्लेम विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन. फोर्थ नंबर में आते हैं. सो फोर्थ नंबर में कर देते हैं, इसके बारे में और क्या जानते हैं. द टेम्परेचर ऑफ ऑक्सीएसिटिलीन फ्लेम इज, आप लोग बता होगा कि 3100 डिग्री सेंटीग्रेड टू 3300 डिग्री सेंटीग्रेड होता है. सो फ्रेंड्स, द टेम्परेचर ऑफ ऑक्सीएसिटिलीन फ्लेम इज 3100 टू 3300 डिग्री सेंटीग्रेड. ये अभी आप लोग पता होगा. तो ये तो हम लोग, ये अभी हम लोगों ने एसिटिलीन गैस के बारे में जाना कि एसिटिलीन गैस इज अ फ्यूल गैस विच इज यूज्ड इन अ वेल्डिंग एंड कटिंग. इट्स केमिकल सिंबल इज C2H2 एंड इट्स प्रोड्यूस अ वेरी हाई टेम्परेचर फ्लेम विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन. एंड लास्ट वन इज द टेम्परेचर ऑफ ऑक्सीएसिटिलीन फ्लेम इज 3100 टू 3300 डिग्री सेंटीग्रेड. ये तो ऑक्सीजन एसिटिलीन गैस के बारे में हो गया. दोस्तों एक बार फिर से मैं बता देता हूं, एसिटिलीन गैस एक फ्यूल गैस है जिसका यूज हम लोग वेल्डिंग और कटिंग में करते हैं. एसिटिलीन गैस का केमिकल सिंबल C2H2 होता है. एसिटिलीन गैस बहुत ही हाई टेम्परेचर का फ्लेम प्रोड्यूस करता है ऑक्सीजन के साथ मिल करके, और ऑक्सी एसिटिलीन फ्लेम का जो टेम्परेचर होता है वो 3100 से लेकर के 3100 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर के 3300 डिग्री सेंटीग्रेड तक होता है. तो ये तो हो गया एसिटिलीन के गैस के बारे में. अब इसके केमिकल, इसके बारे में और आगे बढ़ते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कंपोजिशन के बारे में. तो मैं यहां पे लिख देता हूं, कंपोजिशन ऑफ एसिटिलीन गैस. अब कंपोजिशन ऑफ एसिटिलीन गैस में हम लोग इसके अंदर ये देखेंगे कि जो हमारा एसिटिलीन गैस है
वो किन किन केमिकल एलिमेंट से मिलके बना है, तथा वो जो केमिकल एलिमेंट्स है वो एसिटिलीन गैस में कितना परसेंट मिला हुआ है। जैसा कि हम लोग पहले जानते हैं, मैं आप लोगों को पहले बताया था कि एसिटिलीन गैस का जो केमिकल सिंबल होता है वो C2H2 होता है। तो यहीं पे क्लियर हो जाता है कि जो हमारा एसिटिलीन गैस है वो दो केमिकल एलिमेंट से मिलकर बना होता है। पहला केमिकल एलिमेंट से कार्बन और दूसरा केमिकल एलिमेंट से हाइड्रोजन। अब इसमें हम लोग ये जानने की कोशिश करेंगे कि कार्बन कितना परसेंट मिला हुआ है एसिटिलीन में, तथा हाइड्रोजन कितना परसेंट एसिटिलीन में मिला हुआ है, यानी कि इन दोनों की मात्रा कितनी कितनी है। तो चलिए मैं लिख देता हूँ कि एसिटिलीन गैस इज कंपोज्ड ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन, हाइड्रोजन H, यानी कि एसिटिलीन जो गैस है वो दो केमिकल एलिमेंट से मिलकर बना हुआ है, कार्बन और हाइड्रोजन। अब आगे बढ़ते हैं, दूसरा पॉइंट इसमें देख लेते हैं। दूसरा पॉइंट है वो ये है कि दूसरा पॉइंट इसमें मैं लिख देता हूं, एसिटिलीन गैस कंटेन कंटेंस 92.3% ऑफ कार्बन एंड 7.7% ऑफ हाइड्रोजन। यानी कि जो एसिटिलीन गैस में जो कार्बन की मात्रा है वो 92.3% है और हाइड्रोजन की मात्रा जो है वो 7.7% है दोस्तों। यानी कि वी कैन से कि एसिटिलीन गैस में कार्बन का जो परसेंटेज है वो बहुत ही ज़्यादा है। बिकॉज ऑफ दिस रीज़न हम लोग, इसी वजह से क्या होता है कि जो हमारा एसिटिलीन गैस है वो बहुत ही हाई टेम्परेचर फ्लेम लिबरेट करता है। कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि एसिटिलीन गैस क्यों हाई टेम्परेचर का फ्लेम लिबरेट करता है। सो बिकॉज ऑफ दिस रीजन कि एसिटिलीन गैस के अंदर कार्बन की जो परसेंटेज है वो 92.3 है, यानी कि बहुत ही हाई कार्बन परसेंटेज है उसमें। इस वजह से जो एसिटिलीन गैस है वो हमारा हाई टेम्परेचर फ्लेम लिबरेट करता है दोस्तों। तो ये हो गया। अब आइए आगे बढ़ते हैं और इसके एसिटिलीन गैस के अभी हम लोगों ने बारे में जाना, एसिटिलीन गैस के बारे में जाना, फिर इसके कंपोजिशन के बारे में जाना। अब हम लोग एसिटिलीन गैस के प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि इसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज है दोस्तों। तो ये मैंने प्रॉपर्टी लिख रखा है, तो एक एक करके मैं आप लोगों को एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो प्रॉपर्टीज ऑफ एसिटिलीन गैस, सो यहाँ पे फर्स्ट नंबर में है, इट इज़ अ कलरलेस गैस। यानी ये जो गैस होता है एसिटिलीन गैस वो कलरलेस गैस होता है, जैसे कि ऑक्सीजन होता है या फिर कार्बन डाइऑक्साइड गैस होता है, जिसको हम लोग देख नहीं सकते। इस गैस को भी हम लोग देख नहीं सकते, इट इज़ अ कलरलेस गैस। यानी कि ये जो एसिटिलीन गैस होता है बिना किसी कलर का होता है गैस। इसको हम लोग केवल स्मेल से महसूस कर सकते हैं इसको, कि भाई अभी प्रेजेंट में है या नहीं है। ओके, सो इट इज लाइटर देन एयर। एसिटिलीन जो गैस है वो हवा से हल्का होता है। अब हवा से हल्का होता है इस वजह से क्या होता है कि ये बहुत ही जल्दी, अगर हम लोग एसिटिलीन गैस को खुला छोड़ देते हैं, एसिटिलीन गैस सिलेंडर का वाल्व खोल के छोड़ देते हैं, तो ये बहुत ही जल्दी क्या होता है कि एटमोसफेयर में फैल जाता है। बिकॉज क्योंकि एसिटिलीन गैस जो होता है वो लाइटर देन एयर होता है, यानी कि हवा से हल्का होता है इसका भार, तो बहुत ही जल्दी फैल जाता है। थर्ड पॉइंट है, इट इज अ हाईली इन्फ्लेमेबल एंड बर्न विथ ब्रिलियंट फ्लेम। जैसा कि हम लोग जानते हैं ये बहुत ही ज़्यादा इन्फ्लेमेबल गैस है, और ये जब जलता है तो बहुत ही बड़ी मात्रा में हीट लिबरेट करता है और बहुत ही ब्रिलियंट फ्लेम के साथ जल। पॉइंट हुआ, इट इज स्लाइटली सोल्यूबल इन वाटर एंड एल्कोहल। ये बहुत ही जल्दी वाटर और एल्कोहल के में घुल जाता है। ओके दोस्तों,
फिफ्थ पॉइंट है, इट कैन बी इजिली डिटेक्टेड बाय इट्स स्मेल। मैं पहले ही बताया था कि इस ये जो गैस है इसको हम लोग स्मेल से डिटेक्ट कर सकते हैं, वी कैन डिटेक्ट बाय इट्स स्मेल। ये जब जब ये जो एसिटिलीन गैस जब हवा में उड़ेगा या फिर एटमोसफेयर में ये फैलेगा तो इसका कुछ अपना स्मेल होता है, उस स्मेल से हम लोग पहचान लेते हैं। जैसे हम लोग अगर जैसे अगर एलपीजी की बात करते हैं, लिक्विड पेट्रोलियम जो गैस होता है जो हम लोग घर में खाना बनाते हैं गैस उसका, तो जब कभी कभी क्या होता है कि जब टैंक लीक करता है या फिर कहीं से पाइप लीक करने लगता है तो उसके स्मेल से पता चल जाता है कि गैस लीक कर रहा है, हमारा जो खाना बनाने वाला एलपीजी गैस है वो लीक कर रहा है। उसी तरह से यदि कहीं लीकेज रहता है एसिटिलीन गैस के सेटअप में तो वी कैन डिटेक्ट बाय इट्स स्मेल, ये भी स्मेल देते हैं, ठीक है। छठा पॉइंट है इट कैन बी, सिक्स पॉइंट है एसिटिलीन डिजोल्व इन एसीटोन लिक्विड, एसिटिलीन गैस को हम लोग एसीटोन लिक्विड में डिजोल्व कर सकते हैं। सेवेंथ नंबर है इम्प्रॉपर एसिटिलीन रिएक्ट विथ कॉपर एंड फॉर्म ए एक्सप्लोसिव कंपाउंड कॉल्ड कॉपर एसिटिलीन। अब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो इम्प्रॉपर एसिटिलीन एंड प्योर नहीं इनप्योर एसिटिलीन, इनप्योर जो एसिटिलीन यानी अशुद्ध एसिटिलीन है वो कॉपर के साथ रिएक्शन करके एक एक्सप्लोसिव कंपाउंड बनाता है, एक्सप्लोसिव यानी कि विस्फोटक कंपाउंड बनाता है जिसे हम लोग कॉपर एसिटिलीन बोलते हैं। अब कॉपर एसिटिलीन बोलते हैं इसी वजह से क्या होता है कि जो एसिटिलीन जहां पे जनरेट होता है, जहां पे एसिटिलीन बनाया जाता है वहां पे कॉपर का पाइपलाइन नहीं दिया जाता है, क्योंकि वहां पे इम्प्रॉपर एसिटिलीन भी होता है, इम्प्योर एसिटिलीन भी होता है, सॉरी इम्प्रॉपर बोल रहे हैं, इम्प्योर एसिटिलीन यानी कि प्योर एसिटिलीन नहीं होने के कारण क्या होता है कि अगर हम लोग कॉपर की पाइपलाइन कर देते हैं, बिछा देते हैं कॉपर की पाइपलाइन, तो ये जो इम्प्रॉपर इम्प्योर एसिटिलीन है वो कॉपर के साथ रिएक्ट कर लेगा और रिएक्ट करके एक्सप्लोसिव कंपाउंड बनाएगा, और जब एक्सप्लोसिव कंपाउंड बनाएगा तो वो फटने का चांस रहता है, वहां पे एक्सीडेंट का चांस रहता है, इसी वजह से कॉपर का पाइपलाइन वहां पे नहीं दिया जाता है। सो एट पॉइंट जो है इट कैन कॉज सफोकेशन इन मिक्स्ड 40% और मोर इन एयर। अगर मान लीजिए कि हवा में 40% या इससे ज़्यादा एसिटिलीन गैस को मिक्स कर देते हैं या मिक्स हो जाता है तो उस टाइम में सफोकेशन होने लगता है, हमें सांस लेने में दिक्कत होने लगती है। इसी वजह से क्या होता है कि जब वेल्डिंग करते हैं, गैस वेल्डिंग करते हैं तो उस टाइम में वेंटिलेशन बहुत ही ज़रूरी रहता है सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से, और वो इसलिए ताकि सफोकेशन ना हो। ओके, नाइन्थ जो पॉइंट नंबर है वो ये है कि इट कैन बी डिजॉल्व इन लिक्विड एसीटोन एट हाई प्रेशर। हाई प्रेशर पे इसको हम लोग लिक्विड एसीटोन में डिजॉल्व कर सकते हैं। नाइन्थ एंड लास्ट ये है वन वॉल्यूम ऑफ लिक्विड एसीटोन कैन बी डिजॉल्व 25 वॉल्यूम ऑफ एसिटिलीन अंडर नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर NTP, यानी कि 1 किलो वन वॉल्यूम ऑफ लिक्विड एसीटोन को हम लोग 25 वॉल्यूम ऑफ एसिटिलीन में डिजॉल्व कर सकते हैं, किसके जो होगा नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर पे, यानी जो नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर होता है वो 1.09 केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर होता है। इस प्रेशर पे हम लोग वन वॉल्यूम ऑफ लिक्विड एसीटोन को 25 वॉल्यूम ऑफ एसिटिलीन में डिजॉल्व कर सकते हैं दोस्तों। तो ये हमारा प्रॉपर्टी हुआ एसिटिलीन गैस का, और आज का ये वीडियो मैं यहीं पे एंड करता हूँ। थैंक यू फॉर योर